प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोहेब चौधरी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया लाई खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारत और चाइना के बीच में जो अभी टसल चल रही है उस पर भी चर्चा होगी, और बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर सीए के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। और खबर है कि चाइना प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद चाइना में प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? चाइना का क्लेम है शायद कि ये हमारा एरिया है, इंडिया कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और दूसरे नंबर पे एक मेन चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था या जो मैं स्टडी कर रहा था कि इंडिया की जहां पे बात आती है तो इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो मालदीव हो या चाइना हो, बिल्कुल एक ही लेवल का रिएक्शन देती है। ऐसा नहीं कि छोटा कंट्री है तो उसे, बल्कि छोटे कंट्री को वो उस तरीके से रिएक्शन नहीं देती। चाइना कुछ इस तरीके से बात करे तो बहुत क्लियर स्टांस आता है, यूएस कोई बात करे तो क्लियर स्टांस आता है, यूके की एग्जाम्पल सबके सामने है कि प्रॉपर एक दफा नाको चने चुपाए। लेकिन मालदीव का ऐसा, और मालदीव ने जिस तरीके से काम किया या जिस तरीके से उन्होंने बात की इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो कोई रिस्पांस भी नहीं आया सच, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं उस तरीके से आई। देखो शोएब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, वो बहुत दूसरी मिट्टी से बने हुए, बहुत दूसरी मिट्टी से। उनको भारत की तरक्की से मतलब है, उनको भारत के नागरिक के सर पर छत होना चाहिए, पेट में चावल होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए या कारोबार होना चाहिए। और अभी मैं चाइना पर बिल्कुल तुमसे बात करूंगी, और मैं पहले ये बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश मेरे भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये चाइना तय नहीं कर सकता है। हमें कितने टनल वहां पर बनाने चाहिए और कितने प्रोजेक्ट्स वहां पर इनोग्रेट करने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, ये चाइना तय नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। और चाइना आया कहाँ से तय करने वाला? उसको ये, उसने अपने आप को इस अथॉरिटी के पोजिशन में डाला ही क्यों? अब मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगी कि चाइना में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इवन चाइना ने बड़े दावे से ये बात कहा है कि 2028 तक जितनी भी मस्जिदें हैं वो चाइना तोड़ देगा। चाइना मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर हगने और मूतने की जगह बना रहा है। चाइना किसी को दाढ़ी नहीं रखने दे रहा है, सर पे टोपी नहीं पहनने दे रहा है। इवन मेरा तीन पिटिशन मेरा चाइना के गवर्नमेंट को मैंने मेल किया है कि आप इस तरीके से मुसलमानों को आप अत्याचारित नहीं कर सकते हैं। और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4-5 महीने में मैं इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट लेकर के जाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से चाइना में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते मैं इस तरह से मुसलमानों को अत्याचारित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और ये बड़े आ गए मुंह चौड़ा कर करके कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, कि ये तय करेंगे कि ये कब से हो गया। अब आती है बात कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश तरक्की करेगा तो ही देश का नागरिक तरक्की करेगा, ये कल की स्पीच है। अब आप देखो कि मोदी जी ने फाउंडेशन प्रोजेक्ट डाला है 74.700 करोड़ का बहुत सारे स्टेट्स में, जिसमें पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है आजमगढ़, उसके बाद फिर सरस्वती, उसके बाद चित्रकूट, फिर अलीगढ़ एयर प्रोजेक्ट, 15 एयरपोर्ट उन्होंने इनॉग्रेट किया है, न्यू टर्मिनल चौधरी चरण सिंह उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उन्होंने इनॉग्रेट किया है। हमारे पीएम ने और इनॉग्रेशन किया है महाराज सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ कंस्ट्रक्शन जो 108 करोड़ का जिसका लागत आया है, उसके बाद फिर 0.5342 किलोमीटर रोड बिल्ड किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सड़क योजना के तहत, जिसकी लागत आई है 3.700 करोड़। उसके बाद फिर पीएम मोदी जी ने रेलवे, 12 रेलवे नए प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इनॉग्रेट किया है जिसकी लागत आई है 8,200 करोड़। उसके बाद फिर उन्होंने तीन प्रोजेक्ट बिल्ड किया है नमामि गंगा योजना के हिसाब से, जिसकी लागत आई है 1.114 करोड़। तो भाई देश तरक्की करेगा तो ही तो देश के नागरिक तरक्की करेंगे ना।
अब चाइना ये सोच रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका बॉर्डर उनको टच करता है, तो इससे हमें क्या लेना देना है। अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में के बॉर्डर के इस पार बहुत सारे अरब के सेनाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो पाकिस्तान उछल पड़ा, रहे यहाँ क्यों दे रहे हो, यहाँ क्यों दे रहे हो, अरे क्यों नहीं देंगे, हम अपनी जमीन पर दे रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना, इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ भी करें अपने देश में, तुमको किसने बोला रोक टोक करने के लिए। देखिए अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी शोएब कि देखिए सबसे चाइना का पाकिस्तान का आका चाइना है, मुझे लगता है कि मुसलमानों पर जितना अत्याचार चाइना में हो रहा है इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए थी, पाकिस्तान के मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि आपके पाकिस्तान में 91% सिर्फ मुस्लिम है, और जिस हिसाब से आपके कनेक्शंस हैं आप चाइना को अब्बू बोलते हैं फिर भी आप मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, पर हम तो उठा सकते हैं ना, हम तो उठाएंगे, हमें तो ये फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से चाइना घबराया है, जिस हिसाब से चाइना डरा है, एक टनल ने चाइना को हिला डाला है, इससे मुझे उसकी फड़फड़ाहट बहुत पसंद आई है, मुझे तो बहुत मजा आया है। और मोदी जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि इंडिया रिजेक्ट कर रहा है चाइना के क्लेम को, हम अपने अरुणाचल प्रदेश में जितने चाहेंगे उतने प्रोजेक्ट डालेंगे, जितने चाहेंगे उतने टनल बनाएंगे, चाइना को अगर कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति अपने पास रख सकता है, नादिया जी, और मैं नहीं तो एक कोई और नहीं तो एक फिर वही कनाडा ने कुछ बात रखी थी, हमने प्रूफ मांगा, भाई प्रूफ दे दो, मॉल्डीव्स ने कुछ बोला तो आज मॉल्डीव्स के हाथ में भी लगभग भीख का कटोरा है, तो भाई वैसे ही कुछ होगा, वैसे ही चाइना की जीडीपी अभी बहुत नीचे गिरती चली जा रही है, वो लोग बहुत परेशान है। अच्छा उनके उनके फॉरन अच्छा चाइना को पता भी नहीं था अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना को पता नहीं था, ये उसके फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक टनल बना है जो तिब्बत को टच कर रहा है। है, ये चीज मुझे आपसे पता चली है, लेकिन एक चीज जो मैंने भी नोट की है और कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग कहते हैं, और इवन मुझे पाकिस्तान से बहुत से लोग आपके हवाले से ये कहते हैं कि भाई वो जो है मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत बात करती हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट देती हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि एक साइड पे आप पाकिस्तान या इंडिया की, ये मेरा सवाल नहीं है, ये देखने वालों का क्वेश्चन है। आप और मुझे, मैं ये जानता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन किया जाए आप भी लॉजिक उसका आंसर करेंगी। एक साइड पे आप इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से बात करती हैं कि भाई ये मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, दूसरी साइड पे आप ये कह रही हैं कि चाइना के मुसलमानों के साथ खड़ी हूं, ये चीज जरा देखने वालों को समझाइएगा। देखिए मैं हर उस मुसलमान के साथ खड़ी हूँ जो शिक्षित होना चाहते हैं, जो जबरदस्त, अपने अपने देश के साथ साथ अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। शोएब आप मुझे रात में 2 बजे भी रिकॉर्डिंग के लिए बोलते हैं, शायद ही जी मैंने कभी ना किया होगा, शायद ही, ऐसा क्योंकि मैं आपके एफर्ट को देखती हूँ, मैं आपकी मेहनत को देखती हूँ, आप चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान के युवा हमारे भारत की तरक्की को देखें और वो भी सोचे कि उनका भी पाकिस्तान ऐसे तरक्की हो सकता है, एग्जैक्टली इसलिए मैं आपके एक कॉल पर मैं बैठती हूँ रात के 2 बजे भी, शायद ही ऐसे मैंने एक आध बार बोला होगा कि आज नहीं कल करते हैं रिकॉर्डिंग, तो उसी ऐसे तरीके से मेरे भारत में जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं मुसलमान बेटियां, जो बेटे पढ़ना चाहते हैं मुसलमान बेटे, मैं उनके साथ होती हूँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब जो पैंट का जिप खोल करके सनातनी बेटियों का बलात्कार करता है वो चाहेगा कि नाजिया उसको समर्थन करे, नाजिया उसकी तारीफ करे, तो वो तो मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। देखिए अगर कोई दाढ़ी रखना चाहता है मुझसे, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, कोई टोपी पहनना चाहता है मुझे उससे आपत्ति क्यों होगी, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं भी पूरा पूरा नमाज की तरीके से दुपट्टा बांधती हूँ, बिल्कुल बांधती हूँ, लेकिन जब मैं इनसाइड द कोर्ट रूम होती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वकील होती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई जात धर्म नहीं होता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मुसलमान शिक्षित हो जाए, मुसलमान अपने करियर पर अपने विजन पर फोकस करे, और जिस देश में भी रहते हैं उस देश की तरक्की में अपनी तरक्की को खोजे। शोएब जी आप देखिए, शोएब अभी आप कश्मीर से एक दौरा करके आए, जी आपने कितने लोगों से बातचीत की, कुछ क्लिपिंग्स मेरे पास भी आई, मैंने भी उसको देखा, आपको मैं मतलब अपने पिटिशंस भेजूंगी, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मैं सरकार से बात कर रही हूँ कि पीओके में रहने वाले जितने भी अत्याचारित लोग हैं उनको एटलीस्ट हम अनाज पानी बिजली और नेटवर्क देना स्टार्ट करें, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन से काम कर रही हूँ,
क्योंकि मैं लीगल वे में काम करती हूँ, जी जी मैं भाषणबाजी पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ शोएब। और हमेशा जब भी मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठती हूँ, मैं सबूतों के साथ बैठती हूँ, है ना। तो ऐसा ही उसी है। तरीके से मैं पीओके के उन अत्याचारित लोगों के लिए मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप मैं ली हूँ, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सरकार मेरी बात जरूर सुनेगी। और पीओके के अत्याचारित और भूखे लोगों के लिए कम से कम खाना और अनाज, उसके बाद फिर बिजली, पानी, दो चार हॉस्पिटल्स हम जरूर प्रोवाइड करेंगे पीओके के लोगों के लिए। ठीक है, हम इस चीज मैं का जरूर जरूर और मतलब शुरुआत करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अब इस बात से भी बहुत से लोगों को गुस्सा होगा कि भाई इंडिया कश्मीर में क्यों करेगा, पाकिस्तान साइड कश्मीर में क्यों करेगा, हम क्या सऊदी अरेबिया से। मैं ये चीज बहुत गारंटी से कह रहा हूं, मैंने तो वहां का विजिट किया है। सऊदी अरेबिया से फंडिंग लेके, ज़कात लेके कश्मीर में हमने कुछ घर बनाए, उस पैसों में भी बहुत ही दो नंबरी हुई, करप्शन हुई, लेकिन कुछ घर बनाए। कतर से हमने पैसे लेके कश्मीर में, जी कश्मीर के लोग बहुत भूखे हैं, बहुत गुर्बत है वहां पे हमने कैंप लगाए। हम अगर वहां से पैसे ले सकते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते। और मैं तो ये कहता ही नहीं, मैं कहता हूँ किसी से भी पैसे ना लें, वहां पे खुद डेवलपमेंट करें। जो क्लेम ये कर रहा है कि भाई मुझे बहुत मोहब्बत है, उसे चाहिए मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकली करे। यहीं पे इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, बहुत सी बातें थी। मैं एक लास्ट में बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन सीए पर था, जी सिटीजनशिप जी जी अमेंडमेंट पर था। जी तो मैं आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीरे आजम नवाज शरीफ से और मरियम नवाज, बात क्योंकि बहुत यंग चीफ मिनिस्टर वो बनी है, तो उन दोनों से मेरी गुजारिश है कि अवेसी साहब और मदनी साहब हर रोज कैमरा के सामने कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान की सरकार और वजीर आजम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करवाएं अपने पार्लियामेंट में, और उन अत्याचारित भारत में रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तान बुला लें प्लीज। और अटारी और वाघा बॉर्डर तक भेजने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ कि जो जो मुसलमान नहीं भी जाना चाहेगा भारत से, मैं धक्के दे करके पाकिस्तान भेजूंगी पक्का। लेकिन जो आपके पाकिस्तान के वजीर आजम है, बस वो इस बिल को पास करें और भारत में अवेसी के हिसाब से, मदनी के हिसाब से और बुखारी के हिसाब से जो भी मुसलमान अत्याचारित है उसको बुला ले पाकिस्तान। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की सरकार। और मैं भी सवाल छोड़ता चलूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, या देखने वालों के लिए कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई बिल पास होता है, CAA या इस तरीके से कोई भी बिल, तो पाकिस्तान में कोई आना चाहेगा खास तौर पे इंडिया से। ये एक सवाल है, इसका जवाब जरूर मतलब मैं मुंतजिर रहूंगा इसके। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शोएब चौधरी और नाजिया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने पाकिस्तान से लेके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी ये बोला कि वो एक अलग मिट्टी से बने हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।